हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडवांस ऑटो इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों हमारे जो मैकेनिक भाई हैं या इलेक्ट्रिशियन हैं या चाबी के की मेकर जो भाई हैं, वो अपना काम स्टार्टअप थोड़ा पहले जो फाइल से जो काम कर रहे थे, जो पुराने गाड़ियों का जो काम कर रहे थे, वो सोच रहे हैं भाई हम भी थोड़ा अपग्रेड हों। हम भी थोड़ा अपग्रेड हैं और उनके पास इतना बजट है नहीं बड़े बड़े मशीन लें। 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के मशीन लेने के लिए उनके पास उतना बजट है नहीं। तो वो बहुत सारे भाई मुझे बोलते हैं भाई कम बजट के अंदर कैसी मशीन लेके हो, हमारा काम लगभग निकल जाए। तो उन सब भाइयों को देखते हुए हमने एक मशीन एक डीलर से हमने बात की है, भाई ऐसा कम बजट में एक कोई ऐसी मशीन मुझे दो, उसके अंदर ऑलमोस्ट लगभग अपने जितने भी सीमित भाई हैं जो चाबी का जो काम करते हैं, स्टार्टिंग का जो काम कर रहे हैं या काम सीख के अपना खुद का वर्कशॉप बना रहे हैं, उन भाइयों के लिए एक मशीन, छोटी सी मशीन लेके आओ, उसका सारा काम थोड़े कम पैसों में ये काम हो जाए। तो एक हमारे दोस्त है, उन्होंने एक हमें बहुत अच्छा सजेशन दिया, भाई ये मशीन ले लो, आपका काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो हमने मशीन भी मंगवाई। मशीन मंगाने के बाद हमने पहले इसके ऊपर R&D किए क्या, हालांकि ये जो मशीन जो बता रहे हैं वैसा है या नहीं है, तो हमें पूरा मालूम पड़ा ये मशीन ऑल इन वन A to Z का मतलब ये है, जो आपका वी कटिंग से लेके आपका बॉयल जो होती है वहां तक आप काम कर सकते हैं। वी कटिंग जितने भी अपने कार लाइन के जितने भी प्रकार के कीस आते हैं, जैसे अपना मारुति का हो गया, जैसे तुम्हारा होंडई का हो गया, जैसे कि आपका लेजर कटिंग हो गया, लेजर कटिंग यानी जो तुम्हारा होंडा में जो आता है वो हो गया, सब प्रकार के आप काम कर सकते हैं इस मशीन लेके। इसके अंदर सब प्रकार का काम हो जाएगा, A to Z। इस पे हमने नाम रखा है A to Z। A to Z का मतलब हो गया तुम्हारा कंप्लीट A to Z, जितने भी कार लेन के कीस हैं पूरा काम इसके अंदर आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको अटैचमेंट लेना रहेगा, इसके अटैचमेंट आता है मैजिक बॉक्स, ऐसा कुछ अटैचमेंट आते हैं, उनका अटैचमेंट लेना रहता है। ये एक मेरे पास अटैचमेंट है, इसके अंदर आप वी कटिंग का काम कर सकते हैं। एक सेट आप इधर लग जाएगा और दूसरे सेट इधर लग जाएगा, एक चाबी इधर लग जाएगी, ठीक है, एक चाबी इधर लग जाएगी और दूसरी जो ब्लेड है इधर आप रख के भी काम इसका बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं। तो ऐसे मैं वीडियो बनाता जाऊँगा, कौन सी प्रकार की चाबी में कौन सा क्लैंप लगेगा और चाबी कैसे कटिंग होगी, कौन सी बिट लगेगी, क्या साइज की बिट लगेगी, कैसे कटिंग होगी, ये कंप्लीट मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाऊंगा। तो सिर्फ और सिर्फ मैं ये इसका मशीन आपको बताना चाहता था, इसकी वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये आप मशीन लेके कम बजट में आप मशीन लेके बहुत अच्छे तरीके से प्रोफेशनल काम आप काम कर सकते हैं, या आप कॉपी करनी है, कॉपी में ये यूज आती है, यानी क्लोन, जो आपके पास चाबी पहले से चाबी है वो चाबी आप इधर रख के, आप चाबी रख के आप दूसरी डुप्लीकेट चाबी आप बना सकते हैं, ठीक है। और जो भी भाई मशीन हमारे से लेंगे ये आपको पूरा पक्का बिल में मिलेगा, विदाउट GST आपको नहीं मिलेगा, विद GST ही मिलेगा, क्योंकि ये मशीन जो है प्रॉपर बिल के साथ ही आपको यह मशीन मिलेगी, ठीक है दोस्तों। और इसका जो भी आपको प्राइस लिस्ट चाहिए और इसकी इंफॉर्मेशन क्या यह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, आगे जाके वीडियो बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे, हर प्रकार के चाबी को मैं कटिंग करके आपको बताऊंगा, कौन सी इसके अंदर बिट लगेगी, क्या नंबर की बिट लगेगी, कैसा इसको चाबी को कटिंग करनी है, इसका पूरा फीडबैक रिव्यू सारा कुछ मैं स्टेप बाई स्टेप हर एक अलग अलग वीडियो में मैं आपको देता जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो यही मेरा बोलने का मकसद था, जो भाई पहले से काम कर रहे हैं और उनका काम छोड़ के अलग से अपना खुद का काम शुरू कर रहे हैं, जब भी कोई भी बंदा जिस जगह पे काम कर रहा उस जगह से छोड़ के या दूसरी जगह पे शिफ्टिंग हो रहा है या अपना खुद का काम शुरू कर रहा है, तो उस बंदे के पास थोड़ा जो पैसे का जो मामला रहता है वो बहुत टाइट रहता है। तो कम पैसों से ही वो बंदा शुरू करना चाहिए, ना कि कोई भी 1 लाख की मशीन, 1.5 लाख की मशीन, 50,000 की मशीन ये लेके उसको नहीं करना चाहिए कम पैसों में, क्योंकि जब हम काम शुरू करते हैं उस टाइम पे कम पैसे से ही काम अपने को शुरू करना रहता है।
जैसे जैसे हमारा काम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मशीन बढ़ते जाएंगे। आप तो मेरे वीडियो में देखे ही होंगे, पहले हमारा छोटा सेटअप था, जैसे जैसे काम बढ़ता गया वैसे वैसे हमने स्टेप बाई स्टेप हमने काम किया है। ऐसा नहीं एक ही टाइम में हमने सारा कुछ मंगवा लिए, काम है या नहीं है ऐसा कभी भी नहीं करना है। स्टेप बाई स्टेप जाएंगे, स्टेप बाई स्टेप आप सीढ़ी चढ़ेंगे तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। एक ही टाइम आप फॉरवर्ड जाएंगे तो कभी भी आपको वो कामयाबी नहीं मिलेगी। तो मेरा कहना यही है, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। डायरेक्ट कोई बंदा इतना प्रोफेशनल काम कर रहा है, मेरे को सब टूल चाहिए, सब चाहिए, ए टू जेड चाहिए, बोले तो ये सबसे बड़ी गलती है आपकी, क्योंकि मार्केट को समझ ना रहता है क्या हमारे मार्केट के अंदर ज़रूरत है और क्या मुझे ज़रूरत है, क्या मैं ये काम कर सकता हूँ। क्योंकि हर एक एक बंदे में अपनी अपना एक टैलेंट रहता है। कोई बंदा चाबी के अंदर एक्सपर्ट रहता है, कोई बंदा ईसीएम के अंदर एक्सपर्ट रहता है, कोई बंदा प्रोग्रामिंग के अंदर एक्सपर्ट रहता है, कोई बंदा वायरिंग का काम करने में एक्सपर्ट रहता है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, जो आपका टैलेंट है वो हिसाब से आपको काम करना रहता है, और जो आपका बजट है वो हिसाब से आपको टूल लेके काम करना रहता है। अभी मेरे पास देखो, मेरे पास बहुत सारे काम हैं तो मेरी कैपेसिटी भी थोड़ी अलग रहती है, मेरे को नए नए टूल की जरूरत पड़ती है। केस 3 हो, ऐसे जो भी मार्केट के अंदर जो टूल आ रहे हैं उनकी मुझे जरूरत रहती है, क्योंकि इस लाइन का मैं बंदा हूँ, मुझे इनकी जरूरत पड़ती है, तो मैं इन्वेस्टमेंट करके मंगवा सकता हूँ। और दूसरे बंदे हैं मुझे बोलते हैं, भाई आपके पास जितने प्रोडक्ट हैं जितने प्रोग्राम आ रहे हैं सब मुझे दे दो। ये बहुत बड़ी गलती है भाई, ऐसा काम ना करें। जो आपको जरूरत है वही लें, पैसा फालतू में वेस्ट ना करें, क्योंकि पैसा कमाने में बहुत मुश्किल है। छोटे से काम शुरू करें तो आपको कामयाबी मिलेगी, कामयाबी के साथ आपका नाम भी बनेगा। छोटे से आप स्टार्ट करेंगे तो बड़े होंगे, डायरेक्ट बड़े होके उससे बड़ा बनने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल है भाइयों। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई भी चीज या कोई भी टूल हो गया, कोई भी इक्विपमेंट्स हो गया, तो लें, तो देख दिखा के लें क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये मशीन हमारे पास है हमारे पास ले लीजिए, ये नहीं कह रहा हूँ। आपको एक इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो सिस्टम चला है, जो हमारी लाइन में जो चला है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो मशीन है ये चाइनीज मशीन है, ठीक है। तो कम पैसों में लेके आप काम कर सकते हैं। लगभग इसका ऊपर नीचे आपको रेट बताऊंगा मैजिक क्लैंप के साथ, इसके साथ आपको लगभग आपको 20,000, 19,000, 20 ऊपर नीचे आएगा, 22-20 के ऊपर नीचे आएगा। तो डिपेंड करता है कोरियर किधर जाएगा, कोरियर का भी कॉस्टिंग जाता है। 15 किलो मशीन आती है तो कोरियर का भी उसका जाता है। तो यही कहना चाहता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में आपको कैसे ब्लेड को कटिंग करते हैं ये सब मैं कंप्लीट आपको मैं बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, और आपको पूरी मशीन का ओवरव्यू दिखाएंगे। दिखाओ पूरी मशीन, इधर से आप पूरे हैंडलिंग कर सकते हैं, किस प्रकार की आपको कटिंग करनी है वो आप कर सकते हैं, और इधर से आप लॉक कर सकते हैं। इधर से लॉक हो जाएगा, राइट लेफ्ट नहीं घूमेगा, ऊपर नीचे घूमेगा, ठीक है। ये अप डाउन डाउन अप कर सकते हैं, इससे आप डाउन और अप कर सकते हैं, और ये पूरा ब्लेड का एडजस्टमेंटिंग रहती है, ब्लेड का पूरा एडजस्टमेंटिंग रह सकती है इसके अंदर, जैसे आपको चाहिए वैसा आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसा आपको चाहिए वैसा आप एडजस्टमेंट करके आप काम में यूज में ले सकते हैं। ये चाइनीज मशीन है तो बहुत अच्छे काम करती है, मगर मैं इसके बारे में और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा, देखेंगे कैसे ये काम कर रही है, क्या इसकी बिल्ड क्वालिटी है, क्योंकि ये जो नोजल होते हैं, जो कट्टर होते हैं, ये कैसी इसकी बिल्ड क्वालिटी है, कंप्लीट में आपको बताता जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। देख सकते हैं ये मशीन है, जो भी भाई को चाहिए क्वेरीज किसकी किसी की भी है तो कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, तो आप इसको लेके काम में यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों।